कल्याणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक गणपत गायकवाड़ ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण और दो ठिकानों पर पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन किया। सबसे पहले हर साल की तरह 30 गांव स्थित तिसाई हाउस में तिरंगे ध्वज को सलामी देकर आजादी का 75वां जश्न मनाया गया। इसके बाद कल्याणपुर वार्ड नंबर 87 में पराग विला से लेकर शंकर कॉम्प्लेक्स तक पानी की पाइपलाइन लगाने के लिए भूमि पूजन किया गया। बता दें कि इस परिसर में गत अनेक दिनों से नागरिकों को भीषण पानी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में बीजेपी के कल्याणपुर मंडल अध्यक्ष संजय मोरे ने विधायक गणपत गायकवाड़ से बात की और नई जलापूर्ति पाइपलाइन का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनने के बाद लोगों की इस मूलभूत परेशानी को दूर करने के लिए विधायक गणपत गायकवाड़ ने 6 इंची नई पाइपलाइन के लिए 13 लाख रुपए की निधि मंजूर करवाई है। खगावताने कल्याणपूर्व मध्ये अशा बऱ्याच ठिकाणी अशा अडचणी आहेत की त्या ठिकाणी 2 दिवसातून 3 दिवसातून काही असा भाग आहे जो आशय मानेगा आहे, तिथं आठवड्यातून एकदा पाणी येतो आणि त्यासाठी आपण वारंवार पत्रव्यवहार वारंवार त्याचा फॉलोअप करून बऱ्याच ठिकाणी आपण ज्या पाण्याच्या नवीन लाईनी टाकायच्या त्या ठिकाणी आपण नवीन लाईन टाकतो। आणि आपण जर बघितले असेल तर ह्या आधीच्या काळामध्ये ज्या टायमाला 1/2 इंचाच्या छोट्या छोट्या कनेक्शन बऱ्याच लोकांनी घेतलेले असतात आणि ते घटकाच्या आतमधून असतात आणि त्याच्यामुळे ज्या टायमाला पाणी येतो त्या टायमाला त्या पाईपलाईनमधून घटकाचं सुद्धा पाणी येतो आणि पिण्याचं पाणी हे पिण्यायोग्य नसतं। म्हणून यासाठी कल्याणपूर्वमध्ये सातत्याने मी नवीन लाईन टाकण्यासाठी पाठपुरावा करत आहे आणि या ठिकाणी संजयजी मोरे आणि इतके स्थानिक नगरसेवक ह्या लोकांनी वारंवार माझ्या पाठीमागे लागत त्यांनी सांगितलं की आपल्याला ह्या ठिकाणी लोकांना पाण्याच्या ज्या अडचणी आहेत त्या पाण्याच्या अडचणी सुटल्या पाहिजेत। आणि म्हणून संजयजी मोरे वारंवार मला याचे दादा कधी होईन कधी होईन, पण या करोनाच्या काळामध्ये थोड्या अडचणी होत्या निधी देण्यासाठी, जसं निधी आम्हाला देण्याचा आगाव केला तर आधी मी संजय मोरेजींना सांगितलं बाबा तुमच्या वार्ड मध्ये जे आधी पाण्याचा जो प्रश्न आहे तिथे आपण आधी काम करूया। इसी तरह से कल्याणपुर के खड़े गोलोली कैलाश नगर स्थित नगर सेवक मनोज राय के प्रभाग में भी पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। इसलिए मनोज राय की कोशिशों से और विधायक निधि का उपयोग कर यहां के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक से ओम शिव गंगा कॉम्प्लेक्स तक जलापूर्ति करने वाली 6 इंच की नई पाइपलाइन लगाई जाएगी, जिसका उद्घाटन भी नगर सेवक मनोज राय और स्थानीय लोगों की उपस्थिति में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया गया। इस मौके पर बीजेपी के कल्याण जिला अध्यक्ष शशिकांत कामले, कल्याणपुर मंडल अध्यक्ष संजय मोरे, पूर्व परिवहन सभापति सुभाष मस्के, राजू अंकुश, पांडुरंग भोसले आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। आकिब शेख, जी वार्ता न्यूज, कल्याण। हमारे कल्याणपुर के विधानसभा 142 के माननीय अमृतदार कार्य सम्राट हमारे गणपत गायकवाड़ जी, मैं इनका दिल से आभार मानता हूँ। और ऐसे ही इन्होंने 5 साल में हमारे कार्यकाल में इन्होंने बहुत सारे इधर फंड किए और बहुत सारे पानी के और बस्ते के काम उन्होंने किए और एक लाइन का काम बचा हुआ था जो भी अभी हम लोग माजी नगर सेवक है फिर भी इन्होंने किया। और इन्होंने वार्ड का विकास के लिए, कल्याणपुर के विकास के लिए जितना इन्होंने काम किया इसके लिए हम लोग दिल से आभार मानते हैं और वार्ड के सब प्रवासी जो हैं मैं इनका आभार मानता हूँ। जय हिंद, जय भारत।